मेरे ऊपर लगाए गए सारे इंतजाम, सारे गवाह, सारे सबूत गलत रिकॉर्ड, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। झूठ ना बोलो सिंह साहब, आपने अपने पिछले कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे छोटे बच्चों को काम पे लगाया था। जज साहब, मैंने मेरे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई बच्चों को काम पे नहीं लगाया। ऐसी घिनौनियां मैं कभी करता भी नहीं हूँ, ना करके मानता भी हूँ। ये बात है, ये देखिए लॉर्ड, ये फोटो, इसमें साफ साफ देखिए बलवंत सिंह ने यहाँ पर ऐसे छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं। देखिए लॉर्ड, देखिए जज साहब, ये सरासर झूठ है। ऐसी फोटोज मार्केट में बिकती हुई मिल रही है। ये सब मेरे क्लाइंट को फंसाने की साजिश है। ऐसे 10 और लोग हैं जो बलवंत सिंह को मार्केट से पीछे करने के लिए ये सब साजिश रच रहे हैं। आप देख लो एक बार। ये बात है, ये देखिए मिलोर, मेरे पास एक वीडियो भी है दिखाने के लिए कि बलवंत सिंह ने बच्चों को लगाया था काम। ये देखिए मिलोर, ये देखिए, काम करो फटाफट, काम करो, मुझे सब निपटाना है अभी के अभी। खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो सब। साहब सुबह से काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ, सुबह से काम कर रहे हैं तो क्या हुआ भाई, काम कर। जज साहब, आपको इस वीडियो में मेरे क्लाइंट का चेहरा कहाँ नजर आया ढंग से? उस एरिया में ऐसी कई सारी साइट्स है जहाँ पे बलवंत सिंह का और दूसरे लोग का एकदम सेफ है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये वीडियो और ये साइट्स का तुरंत जांच तुरंत होनी चाहिए। मिलोर, आपकी अनुमति से मैं एक और दौर पेश करना चाहूंगा। वहां के सेक्रेटरी का जांच का उस आदमी ने हम दोनों को काम पे रखा था और हमसे वो 15 घंटे तक काम करवाता था हर दिन, और हमें खाना और पानी भी तक भी नहीं देते थे। अब आपको क्या करना है बलवंत सिंह? और कुछ बोलने को बचा ही नहीं जज साहब। ये आदमी इन छोटे बच्चों से जबरदस्ती काम करवाता था जज साहब, करवाता था। आई रेस्पेक्ट केस जज साहब। सारे गवाहों और सबूतों को मुद्दे नजर रखते हुए यह अदालत बलवंत सिंह को धारा आईपीसी सेक्शन 83 के तहत 5,00,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाती है। एंड द कोर्ट इन